आज मैं बना रही हूँ पूड़ी छोले, हम पंजाबियों का फेवरेट ब्रेकफास्ट। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको बहुत छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना के देती हूँ इसके साथ, उनको बड़ा मज़ा आता है खा के। चने लगाओ। क्यों? मैं छोटी बच्ची। अच्छा, आपको अच्छा लगा देव? तो मैं बिना प्याज टमाटर वाले छोले भी अपलोड कर चुकी हूँ और पालक चने भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज बारी है पराठी छोले बनाने की, मसालेदार पराठी छोले बनाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ना इसको पराठी छोले भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाव चने रात को भिगो दिए थे, अब मैं इसको कुछ विसल्स दिलवाऊँगी प्रेशर कुकर में। तो पानी मैंने यहाँ पर इनफ ऐड कर दिया ताकि सारा सूखे नहीं, बिकॉज़ मुझे एक ग्रेवी बनानी है ऑब्वियसली। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तेज़पत्ता एक, थोड़ा सा नमक और साथ में हल्दी। अगर आपको मिर्ची भी ऐड करनी है तो यहाँ पर आप लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। मैं मिर्ची थोड़ी कम आज ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ बच्चों ने भी खाने हैं छोले, तो इसलिए। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप थोड़ी यहाँ पर मिर्ची भी ऐड कर लेना। ओके, तो यहाँ पर 4-5 विसल्स दिलवाई, बिल्कुल लो गैस पे 5-10 मिनट रखा और ये चने का दाना अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं बनाऊंगी इसका तड़का। इसके लिए मैंने लिए है 3 प्याज और टमाटर भी मैंने 3 ही यूज़ किए हैं, साथ में 2 हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर प्याज को ग्रेट कर रही हूँ बिकॉज अच्छा सा मसाला चाहिए, या तो बिल्कुल बारीक काट लो या फिर इस तरह से ग्रेट कर लो। तड़का मैं बनाने वाली हूँ आज सरसों के तेल में। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हो तड़के के लिए। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा और साथ में वो ग्रेट किया हुआ सारा प्याज। तो सिंपल जो प्याज टमाटर वाला मसाला होता है वही आपको बेसिकली रेडी करना है। बस मसालों का थोड़ा रहता है कि चना मसाला थोड़ा ऐड करो ताकि एक अलग सा टेस्ट आए। जो होममेड मैंने चना मसाला बनाया था उससे चने थोड़े ब्राउनिश कलर में जाते हैं, डार्क कलर में, तो वो भी यूज़ कर सकते हो या आप रेडीमेड चना मसाला भी यूज़ कर सकते हो, MDH का बेस्ट रहता है। तो सिंपल प्याज टमाटर का यहाँ पर मैं तड़का बना रही हूँ, साथ में ऐड किया मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेश ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जब मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया तड़के ने, तो आप लाल मिर्च, हल्दी और चना मसाला ऐड कर लो। मैं आज MDH का रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। घर का बना हुआ चना मसाला तो 1 चम्मच भी डाल लो तो बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स दे देता है, ये तो मुझे 2-3 चम्मच डालने पड़े अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए। तो घर का है तो प्रेफर करो वही डालो, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ ऐड कर रही हूँ कुछ बॉइल्ड चने और उनको अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि ग्रेवी जो है उसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाए। अगर नहीं करना है इस तरीके से तो आप एक आलू, जब आप मतलब चने बॉईल कर रहे हो ना, तो एक आलू भी उसमें काट के डाल दो ताकि जब आप आलू को मैश करो तो वो भी अच्छी थिकनेस देगा आपकी ग्रेवी को। लास्ट में आप यहाँ पर ऐड करो धनिया और साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग करके इसमें एडजस्ट करो अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो जो चना मसाला आपने ऐड किया है उससे प्रॉपर थोड़ा सा जो खट्टापन चाहिए होता है चनों में या गरम मसाले का जो फ्लेवर चाहिए होता है वो आ जाए। तो नमक, गरम मसाला, आमचूर, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड में एडजस्ट करो। और इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ प्रेशर कुकर में बिकॉज उधर ओवर हो रहे थे, तो टाइम पे इसको बंद कर दो बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू टाइम थिक हो जाती है ग्रेवी। सो चनों के बाद अब मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ पूड़ी के लिए, जिसमें कि 2 कप आटा है और उसमें मैंने आइडिया से यहाँ पर 1/4 कप के करीब सूजी ऐड कर ली है, नॉर्मल सूजी, और साथ में जाएगा नमक, अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी। मैं ये आटा ज़रूर गूंथती हूँ पूड़ी का बिकॉज मेरी बेटी सब्जी नहीं खाती है, वो अकेली पूड़ी खाती है। तो यहाँ पर मोइन के लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, ऑलिव ऑयल या घी कुछ भी ऐड कर लो और सॉफ्ट आटा लगा लो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, नॉर्मल आटा लगा लो और रेस्ट करवाओ 10-15 मिनट और फिर आप गर्मा गर्म पूड़ी बनाओ। इसकी बहुत अच्छी बनती है, मतलब सूजी डालने से ना एक इंस्टेंटली अगर आपको गर्मा गर्म पूड़ी खानी है तो वो अच्छी क्रिस्पी पूड़ी बनती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही हूँ बेलन को भी और 4-5 पूड़ियाँ इकट्ठी बना के रख लेती हूँ। मुझे आदत है, मैं एक एक करके नहीं बनाती, 4-5 बेल लेती हूँ इकट्ठी, फिर 4-5 तल लेती हूँ, फिर से 4-5 बेल लेती हूँ, बिकॉज कंजक पूजन में भी हम लोग 40-50 पूड़ियाँ एक साथ बनाते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं एक एक करके, मैं तो बोरी हो जाती हूँ एक एक पूड़ी बनाते हुए। तो मुझे तो गर्मा गर्म पूड़ी पसंद है, प्याज हो, अचार हो, हरी मिर्च हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए।
बढ़िया से पूरी छोले हो और साथ में ये सब चीज़ें हो। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, आप कैसे खाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप इसके अलावा और भी कुछ अपनी प्लेट में डालते हो क्या? अरे बच्चों के लिए मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाती हूँ इस तरीके से, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।